हाय हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव और आज हम देखने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर सीटी का पेपर एनालिसिस। व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट 2022 एस्पिरेंट्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेपर? द रीजन बीइंग कि जो मेरा एनालिसिस है और तुमने अगर क्लास करी है तो तुमने भी साथ में ये देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर सीटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, जो पहले हुए हैं एग्जाम में, उनके मॉडिफाइड फॉर्मेट नीट के एग्जाम में बहुत बार देखते हैं। और ये हमारा परम धर्म बनता है कि हम हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को जो इस साल ऑल इंडिया लेवल पर हो रहा है या स्टेट लेवल पर हो रहा है, हम उसको एक बार बनाएं एटलीस्ट और अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करें और कुछ सीखें। एटीट्यूड हमेशा सीखने वाला रखना चाहिए। तो ये भी करते, क्या पता इसमें से कोई एग्जाम नीट में हिट कर जाए। तो हर समय एकदम बेस्ट 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 खोजते रहो, जितने क्वेश्चन बना सको बनाते रहो बिल्कुल से। तो आ जाओ फटाफट देखते हैं, बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करते हैं। मैंने PDF कहाँ मिलेगा मैं सब लास्ट में बताऊंगा, सीधा मुद्दे पर लेट स्टार्ट विद दिस पेपर राइट नाउ, ठीक है? सो चालू करते हैं। पहला सवाल क्या था जो देखा जाए? पहला सवाल था मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम मोल्ड एंड फंगल फिलामेंट्स, क्या कहते हैं इसको? फ्लॉक कहते हैं यार, बकवास क्वेश्चन, आसान पे आंसर। डायरेक्ट सी लाइन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सीवेज ट्रीटमेंट। सेक्स लिंक रेसेसिव, बोले सर हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस, आराम से हीमोफीलिया। फोटोट्रॉपिज्म, सर ऑक्सिन इंडोल 3-ACTK एसिड, खटाक से आंसर। स्टमक अपर लेफ्ट पोर्शन, ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है अगर बात करी जाए तो हम कार्डियक पार्ट की बात करते हैं जहाँ ओपन होता है। कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है आखिरकार? द प्लांट ग्रुप का नाम है तुम्हारा ब्रायोफाइटा की हम बात कर रहे हैं, इधर से करेंगे। कहते हैं सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउड डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। बोले सर जरा परेशानी परेशानी से लग रही है, क्या कह रही है, आगे पढ़ो। व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। एनसीईआरटी माता का पैराग्राफ छापा है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव्स अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द यूनिपोड। काफी लोग शुरू से परेशान हो गए होंगे कि ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, जैसे सिम लगा देंगे हमारे, खेला देखना एनसीईआरटी की लाइन आती है, जहाँ पैराग्राफ शुरू होता है ना सबसे पहले ये लिखता है एनसीईआरटी और लास्ट में यूनिपोड लिखता है, तो डिटो लाइनें हैं यूनिपोड के साथ जाओ। कहता है ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन्स विच इंक्लूड्स ड्यूडेनम रीजनम इलियम, तो सर स्टमक कहाँ से आएगा, हटाएंगे बिल्कुल। कहता है इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट डिजीजेस, तो तुम जीन इंसर्शन की बात कर रहे हो, बायो रिमेंडेशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो पायरेसी की बात करोगे नहीं, जीन थेरेपी की हम बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। साइक्लोस्पोरिन ए यूज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, आखिरकार कहाँ से मिलता है, तो फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये होता है तुम्हारा एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात होगी। कहता है प्लांट सेल्स का कनेक्शन आखिरकार क्या है, तो बोले सर मिडिल लैमेला वगैरह तो है, उसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम, बोले ये स्टेम हुआ सर, ये पत्ती हुआ, इसको क्या कहते हैं पेटियोल, इसको क्या कहते हैं लैमिना, तो द अटैचमेंट इज वाया द पेटियोल, खत्म कहानी। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लाइंड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, बोले सर टॉली सेल, सर आग बंद करके। कहता है द प्लांट हार्मोन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव बैठा हुआ है तुम्हारा एप्सिकिसिक एसिड टू बी रट्टाफाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पूछता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच इज लैक्टोबैसिलस कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क और दही जमाता है, तो सर कर्ड की बात करेंगे। कहता है बीटी टॉक्सिन कौन बनाता, बैसिलस थुरिंजेनेसिस, एक मिनट पेन कहाँ गई, हाँ बैसिलस थुरिंजेनेसिस, आगे आएंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, कहता है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेयर एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर, कुछ भी पूछ लिया मतलब शुरू में कुछ बाद में कुछ, तो कहता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बड बिफोर द एंथर डिहाइसेंस इज सेट टू बी इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन बैगिंग पढ़े हो ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में आता है, तो हम बात करते हैं इमास्कुलेशन की। कहता है ओरल कैविटी में टीथ है और टंग है, ठीक है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, मतलब दांत जो है सॉकेट में फिटेड है, क्या कहते हैं उसको, हेट्रोडोंट कहते हैं क्या, नहीं सर अलग अलग तरीके के अलग अलग दांत, ठीक है। टू सेट्स ऑफ टीथ, डायफायरोडोंट नहीं सर, मोनोफायरोडोंट नहीं सर, चेंबर में दांत, थीकोडोंट की हम बात करेंगे बिल्कुल से बिना किसी दिक्कत के, आगे। कहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो RER क्या करेगा, राइबोसोम चिपका हुआ है उस पर, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाओ, आगे बढ़ो। डो जो है रात में रखा तुमने और वो फूल गया, तो डो क्यों फूला, बोले सर उसमें CO2 निकली इसलिए फूल गया, आगे। बाउंड बाई ए सिंगल मेम्ब्रेन, तो सर सिंगल मेम्ब्रेन तो बिल्कुल से आंख बंद करके आप वैक्यूल लगा लो बिना किसी दिक्कत के। कहता है वेलमेन सेल कहाँ है, ये आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन है मगर इसको मैं ध्यान रखने को कहूँगा, और इसमें ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया है भगवान सर अब हमारा पेपर बर्बाद हो गया जिंदगी बर्बाद हो गया, नहीं इसमें सिर्फ इतना कि जरा अच्छा हुआ क्वेश्चन अभी आ गया, मान लो गलती से नीट में 89 आए NCERT से एक बाहर से आया, तो वही आया तो सीखने में फोकस करो ना, बोले सर इसमें क्या सब कुछ पढ़ने लगे ऐसे ना, लेकिन जो पूछा गया वो तो याद रख सकते हो, आया तो अच्छा नहीं आया तो और अच्छा, ठीक है ऐसा एटीट्यूड रखो, आएगा तो आउटसाइड एग्जाम में लगाओ और आगे बढ़ो।
इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफिया, मोनो मतलब एक, ग्राफिया मतलब तो एनी वन पर्टिकुलर टैक्सन की बात होगी। कहता है द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गमीट इन ब्रायोफाइट। तो देखो शुरुआत में पानी पर डिपेंडेंसी थी पानी के ऊपर, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था, तो यहाँ पर हम बिल्कुल कहते हैं पानी पर डिपेंडेंसी। कहता है द कलेक्शन ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी जीनोटाइप, जो भी जीन्स उसमें है। एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम, तो सर खेती बाड़ी करते हैं, तालाब भी हो सकता था मगर क्रॉप फील्ड्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड इन एक्रोपेटल, अभी एक्रोपेटल का मतलब क्या हुआ, यंगेस्ट एट टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ये बुड्ढा वाला नीचे, यंगेस्ट एट टॉप की हम बात करें कुछ यूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बेस के कंपेयर में सबसे दूर है ना, तो हम क्या कहेंगे डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर, तो यंगेस्ट विल बी डिस्टल। कहते हैं एनलार्ज एंड ऑफ पीनिस इज कॉल्ड द ग्लांस पीनिस दैट इज कवर्ड बाई अ लूज स्किन का फोल्ड दैट वी कॉल एज फोर स्किन। बाकी ऑप्शन देखो एंडोमेट्रियम, यूटेरस, वजाइना, कुछ भी, फोर स्किन की बात कर रहे हैं। कहते हैं सिट्रिक एसिड आखिरकार कौन बनवा करके देता है, तो सर ब्यूटारिक एसिड है, तो कैंसिल, एस्परजिलस नाइजर की बात कर रहे हैं बिल्कुल से, आगे देखेंगे। पिंकिश अपियरेंस रूट नोड्यूल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑक्सीजन स्केवेंजर की बात हो रही है, लेग हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, ऑप्शन डी आंख बंद करके लगाएंगे। कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज सेट टू बी क्या, वी टॉक अबाउट पुनेट स्क्वायर, जो आरसी पुनेट ब्रिटिश वाला क्वेश्चन आया था याद है, नीट में भी आ चुका है इसके ऊपर, हम यहाँ बात करें पुनेट स्क्वायर का। कहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेज इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कहाँ गया ऑप्शन, एनपीपी आ गया हो। एसिड रेन क्या है, पहले दिमाग में सोचो, सर तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, तो क्या लगाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी के साथ आराम से निकल लोगे। कहता है सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस, बड़ा बेहतरीन सवाल है, नीट में भी आ चुका, डिट्टो यही क्वेश्चन था याद हो अगर तुम्हें, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का केस दैट इज फ्रूट कलर इन स्क्वाश की बात करते, तो इन दोनों का रिश्ता है भाई, इसलिए जेएन के सीटी को भाव देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गिवन बिलो एक्सक्लूसिवली अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इट्स अबाउट द लाइट पीरियड, द फोटो पीरियड की हम बात करते हैं। आगे आएंगे द प्राइमरी सी टू एक्सेप्टर इन हैचन्स लाइक पाथवे, तो किधर होता है प्राइमरी सी टू एक्सेप्टर, तो सर ऊपर वाले सेल में है, क्या नाम है उसका, मैलेट तो नहीं है, सक्सिनेट भी नहीं है, पायरुवेट, रूबीज को देता तो मजा भी आता, ऑप्शन में आराम से फोस्फोइनोल पायरुवेट है तो लगाओ और आगे बढ़ो। एक्सेप्टर पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम ट्रेट, थोड़ा मैं लैंग्वेज के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्वेश्चन की, कि एक्चुअली इट्स अबाउट वेरियंट्स ऑफ जीन, दे आर ऑन अ पर्टिकुलर जीन लोकस कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट, राइट, तो ये लैंग्वेज होनी चाहिए थी, बट चलो ठीक है, आंसर तो एल ही लग जाएगा बिना किसी दिक्कत के। कहता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल इज सिंपली डाइजेशन। कहता है ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड, तो ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या होगा, बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज, वी आर हियर टॉकिंग अबाउट मिनरलाइजेशन, तो अल्टीमेटली मिनरल्स के रिलीज की हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल से, ठीक है सबको। अब आगे बढ़ेंगे, अगला अपने पास ये एपिथीलियम सिंगल थिन लेयर, मतलब सिंपल है तो, और सीलिया नहीं लगाएंगे इसमें, फ्लैटेंड सेल्स हैं, इररेगुलर बाउंड्रीज हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है तुम्हारा स्क्वामस की, क्योंकि टाइल लाइक सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स की बात हो रही है ना, सिंपल फ्लैटेंड सेल्स की बात है। कहता है जो द फॉलोइंग ह्यूमन लिगामेंट इज कॉल्ड वाई शेप लिगामेंट ऑफ बिलो, ये तुम्हें नहीं पढ़ना, सिलेबस के बाहर का, इलियोफेमरल होता है, बट यू हैव टू इग्नोर दिस, इग्नोर दिस जस्ट, आगे बढ़ो। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज आखिरकार क्या, हम बात करते हैं इसको इंसेमिनेशन की, सीमेन का इंसर्शन। फिर कहता है नेम द सेल ऑर्गेनेली विच हैव इट्स ओन डीएनए, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए। आगे प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल डेट रैप अराउंड द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस, तो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म होती है ना, तो यहाँ पे लगते हैं पोडोसाइट्स, कफर सेल लीवर में हो गए, चीफ सेल यहाँ होते ही नहीं, ऑस्टियोसाइट्स हड्डी के हो गए, एलिमिनेशन से भी बन रहा है, तो पोडोसाइट्स जो है ना फिल्ट्रेशन स्लिट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर ये तुम्हारा आ रहा है कैपिलरी, तो इसके ऊपर ये बैठता है ऐसे पोडोसाइट, ऐसे 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 इधर ऐसे ऐसे, तो ये बीच का जो स्पेस आता है ना, ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स क्रिएट करता है। आगे बढ़ेंगे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला क्या, तो न्यूक्लिएज हुआ बिल्कुल से, ऑप्शन सी के साथ जाओगे। माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर, इनर मोस्ट कौन सी है और नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टपेटम, टॉकिंग अबाउट टपेटम। नेक्स्ट टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट, उसको कहते हैं हम हेरिडिटी, डेफिनेशन है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन दिया, बोले सिंगर निकोलसन अंकल दिए, फिर ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट थोड़ा ध्यान रखो इस क्वेश्चन को, ये पहले भी पूछा गया है ये, कि एपिफाइटिक रूट्स जो होते हैं उनमें एक फ्रीली हैंगिंग इन द एयर, दे आर प्रोवाइडेड विद आउटर कवरिंग दैट वी कॉल एज वेलमेन
टू बी रट्टाफाइड, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कॉन्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, कहता है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजी का मतलब पता है, ओइकॉस लोगस, ओइकॉस मतलब होता है घर, लोगस मतलब जानकारी, अपने घर की जानकारी सिंपलेस्ट भाषा में। खैर आगे देखते हैं, द नेचुरल रेजिडेंस पूछ रहा है खाली, नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ऑब्वियस सी बात है हैबिटेट, और क्या ऑप्शन होगा। आगे आओ, ग्लाइकोलिसिस आखिरकार कहाँ होता है, तो बोले सर साइटोप्लाज्म में होता है, नो डाउट। आगे बढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, बोले सर 1:2:1 तो नहीं है सर, फिनोटाइपिक 3:1 बिल्कुल से फिनोटाइपिक रेशियो बैठता है, 3 डोमिनेंट और 1 तुम्हारा रेसेसिव फिनोटाइप की हम बात करते हैं, बी लगाएंगे बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर के लिए स्क्रॉटल सैक में है, तो बिल्कुल से आराम से ऑप्शन ए लगाओ स्क्रॉटम। आगे बढ़ोगे, टेम्पररी वैस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन मैमल्स विच अटैचेस द फीटस टू द यूट्रस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टॉकिंग अबाउट आराम से प्लेसेंटा। आगे बढ़ेंगे, आगे कहाँ बढ़ेंगे, इधर बढ़ जाएंगे, एक सेकंड रुको, हाँ जूमिंग इन फिर से, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, तो ये है यहाँ पर कोर लाइन, तो बिटवीन मैच्योर टिश्यू क्या होता है, एपिडर्मिस कैंसिल, एक्सिलरी बड कैंसिल, एपिकल टिप्स पर होता है, बच गया क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात कर रहे होंगे। पूछता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा एंजाइम करता है, बोले छी सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, नाइट्रोजन इस नाम में जवाब। पूछता है विच लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जिनको हम जर्म पोर कहते हैं, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, हम उन पॉइंटर्स को क्या मेंशन करेंगे, एक्साइन की बात करेंगे, दैट इज मेड अप ऑफ क्या, स्पोरोपोलिन की हम बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट दिस मच, द हार्ड आउटर लेयर एक्साइन, अरे तो यही पूछ लिया, इज मेड अप ऑफ क्या, स्पोरोपोलिन की बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, नेम द एलिमेंट एसेंशियल फॉर पॉलन जर्मिनेशन, आग बंद करके बोरोन यार, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द एजेस ऑफ द इन्फ्यूनिबुलम, तो सर ये इन्फ्यूनिबुलम आता है, इसके ऊपर ऐसा 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 स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, फिम्ब्राई की बात करते हैं। एंड दिस वॉज योर जम्मू एंड कश्मीर सीईटी, 3 क्वेश्चन सीखने वाले थे, इलियोफेमोरल इग्नोर कर दो, वेलमेन याद रखना, और जो तुम्हारा एक्सोथीसियम जो भी एक लेयर आई थी वो याद रखना बिल्कुल, एक्सोडर्मिस वाला जो स्टेटमेंट था, ठीक है, दैट इज वॉट यू नीड टू रट्टाफाई, बाकी पेपर आसान था, आई होप तो तुमने सारा सही किया हो, एक खेला वाला क्वेश्चन कुछ थे तो सीखने को मिला तुम्हें, तो सीखो, ठीक है। डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कितना स्कोर रहा तुम्हारा, चेक द पीडीएफ, आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस पीडीएफ ऑन माय पर्सनल टेलीग्राम हैंडल, दैट इज प्रणव पुंडरीक, दिस इज नॉट पब्लिक चैनल एक्चुअली, नॉट पर्सनल टेलीग्राम हैंडल, हाँ, तो मेरे पब्लिक चैनल पर बिल्कुल से कनेक्ट हो जाओ फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज ये डायरेक्टली नाम सर्च कर लो, दिस इज योर 1 पॉइंट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग इन बायोलॉजी फॉर श्योर शॉट 360 ऑन 360, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, एक और चीज़ जानकारी जरूरी, यहाँ पर बिल्कुल से फुल मॉक पेपर्स हम लोग कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट नो नीट एस्पिरेंट शुड मिस, बिकॉज हम डेली दोपहर 1 बजे और डेली जो है शाम को 5 बजे एक फुल मॉक पेपर करते हैं बायोलॉजी का, दैट टीचेज यू हाउ टू, नॉट ओनली हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इतना तेजी नहीं बढ़ा देंगे गिर पड़ोगे ना, स्पीड विद एफिशिएंसी की बात होती है, बिकॉज फास्ट एंड रिलायबल इज गोइंग टू विन द रेस एज आई ऑलवेज से, ठीक है, तो इतना बिल्कुल से ध्यान रखेंगे, एंड बाकी लेट्स डू 2 मॉक्स डेली 1 बजे और 5 बजे अन अकेडमी के फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, वैसे फ्री क्लासेज हैं, कभी कभी अनलॉक कोड मांगता है, तो प्रणव लाइव ये कोड है याद रखना, प्रणव मेरा नाम है, लाइव क्योंकि मैं हूँ लाइव, ठीक है, बात ही खत्म यहाँ तक, तो इतना जान के रखें, टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहें, एंड डू टेल मी एनी फीडबैक डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर तो तुम करते नहीं हो, मैंने कमेंट्स पढ़े तुम्हारे, कहते तो भगवान करे चैनल किसी को ना मिले, ऐसे इतना भी ज़्यादा प्यार नहीं करना होता, सबको शेयर कर दो बिल्कुल से, ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं, ख्याल रखो, मजे करो, एंड बस अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।